नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा। दर्शकों, जैसे कि हमने कल रात को एक खबर की थी कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी है। इस वक्त आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में यात्री खड़े हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कटरा के मुख्य बस अड्डे से, जहाँ पर पंजीकरण करवाने के लिए यात्री लंबी लंबी कतारों में दूर दूर तक जो है कतारें लगी हुई हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। हमारे से बात करने, जय माता दी। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं राहुल चौधरी, राजस्थान से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ माता के दरबार में आके, और क्या कहें, जय माता दी। तो और भी बड़े सारे यात्री हैं जो दूर दूर से देश भर से आए हैं और यात्रा पर्ची लेने के लिए यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर जो है खड़े हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ यात्री खड़े हैं। हम और भी यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। राहुल मौर्य नाम है। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से, यूपी। यूपी जौनपुर से। कब से लगे हैं लाइन में? ढाई तीन घंटे लग गए हो गए हैं हम लोग लाइन में लगे हुए। ढाई तीन घंटे जी जी। तो अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या कहें, सिस्टम इसको थोड़ा सुधारा जाए और क्या किया जाए। बच्चों के साथ आए? बच्चों के साथ आए हैं। बच्चा का पेट दर्द करने लग रहा है। हाँ, चलने में बहुत परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि आगे आगे लोगों को परेशानी ना हो। तो कुछ जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं लोग कतारों में लगे हैं, उनको काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं सर। कब लगे थे कतारों में? दो घंटे हो गए हमें लाइन में लगते लगते अभी तक। क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। चलिए जय माता दी। तो काफ़ी सारे देख सकते छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए और काफ़ी काफ़ी लंबी दूर तक कतारें लगी हैं। आपको बता दें कि ये कतारें काफ़ी दूर तक जो है लग चुकी हैं और धूप भी काफ़ी तेज है। जी देखिए छोटा सा बच्चे भी आप उत्साह देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा पीछे तक देख सकते हैं। कहाँ से आए? उड़ीसा झारसुड़ा से भैया। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, माता जी का मंदिर ले आए हैं माता जी को दर्शन करने के लिए, इतना कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं दिल्ली से। क्या नाम है? नितिन। क्या कहना चाहेंगे, कैसा जाने का? बस दर्शन करने आए हैं माता रानी के। प्रशासन द्वारा किस तरह के यहाँ पे प्रबंध किए गए? कब से आप लाइन में खड़े हैं? लाइन में हमें काफ़ी टाइम हो गया, एक डेढ़ घंटा हो गया, लेकिन नंबर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए। इस वक्त जो है श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी है। दूर तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देख सकते हैं आप, एक श्रद्धालु ने यहाँ पर अपने बच्चे को जो है कंधे पे उठाया हुआ है। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से। कब पहुँचे थे कटरा में? आज सुबह 11 बजे। तो बच्चों को साथ लेके आए जी। कैसा है यहाँ पे प्रबंध? बढ़िया है, अच्छा है। जय माता दी। और भी हमारे साथ यहाँ पर अभी जुड़ चुके हैं सोहन ठाकुर जी, जो कि समाज सेवक हैं, हमने इनको पकड़ लिया है। तो सोहन ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे कि लंबी लंबी कतारों में यात्री खड़े हैं, आपके पीछे भी काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं जम्मू मार्ग तक। देखिए रोहित जी, ये तो अभी की बात नहीं है, ये मैं कल भी देख रहा था, कल भी यहाँ
इससे भी ज़्यादा लंबी जो लाइनें लगी थी। लेकिन बड़ी शर्म वाली बात है कि मैं आपको बताऊं कि कटरा में इतनी बुरी हालत है यात्रियों की, इसको देख के ये पता चल रहा है कि मैंने कल मीडिया के माध्यम से सुना कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये कह रहे थे कि भवन पे निरातों के दिनों में 40,000 यात्रा हुई, तो उसको देखते हुए वैष्णो देवी में गंडोला लगाना जरूरी है। उनको ये इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो यात्री यहाँ चार चार पाँच पाँच घंटे यहाँ लाइनों में लगे हैं, इसकी शर्म होनी चाहिए ये श्राइन बोर्ड को भी और इन ऐसे लीडरों को भी, और ये यात्रियों के यहाँ खड़े होने की यहाँ फैसिलिटी नहीं है। और वैष्णो कटरा के अंदर अगर इनके यात्रा काउंटर 10 होंगे तो वैष्णो देवी मातर 2 गुफाएं हैं वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए, तो इतनी बुरी हालत हो रही है। तो मैं आपको बताऊं बड़ी शर्म वाली बात है कि ऐसी बुरी हालत हो रही है, तो यहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी फैसिलिटी जो इन यात्रियों को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर यात्रा के लिए या कोई डो मिसाइल बनाने के लिए या कोई कार्ड बनाने के लिए घर से एक लोग एक फैमिली का एक बंदा जाता है, तो हमने कई बार श्राइन बोर्ड से ये बात की है कि अगर ये यात्री जो लाइनों में लगे हैं एक आदमी अपनी फैमिली का कार्ड लेके वहाँ जाए और सबके वहाँ इनको कार्ड मिले, इससे यात्रा बेहतर होती है। यात्रा के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैं ये कड़ी निंदा करता हूँ श्राइन बोर्ड की जो जहाँ यात्रियों की हालत देख के। सुन ठाकुर जी, एक बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा कि ये जो यात्रा पंजीकरण की जो कतारें हैं काफ़ी दूर तक पहुँच गई हैं, ऊपर से धूप भी तेज़ है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अभी हमने यात्रियों से बात करने की कोशिश की तो यात्रियों ने कहा कि 2-3 घंटे से लगभग हम लाइन में लगे हैं लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे नंबर लगेगा, यहाँ एक तो इनके पास काउंटर कम है, दूसरा यात्रा इतनी बड़ी है और कई दिनों से यहाँ यात्रा काफ़ी स्पीड से आ रही है। लेकिन श्राइन बोर्ड को कई बार हम कह चुके हैं कि यात्रा को देखते हुए उन्होंने कोई स्पेशल नए काउंटर खोलने चाहिए जिससे यात्रियों को फैसिलिटी मिले, क्योंकि अगर इनके पास कटरा के अंदर 10 काउंटर हैं, कम से कम इन दिनों में इन्होंने कम से कम 15 और 20 काउंटर नए खोलने चाहिए जिससे यात्री यहाँ आएँ और एक मिनट में पर्ची लेके निकलें। आपको पता होगा कि अगर हम तहसील के अंदर जाते हैं जहाँ आप बाहर कहीं जाते हैं अपनी टिकटें कराते हैं तो पोर्टल से हम अपनी टिकटें करा लेते हैं पूरी फैमिली की, लेकिन यहाँ यात्री जो दरबदर खज्जल हो रहे हैं इसके लिए श्राइन बोर्ड की मैं जितनी निंदा कर सकूँ इतनी कम है। बुरी हालत है यात्रियों की, कोई भी इतनी सी भी फैसिलिटी नहीं है। धूप में यात्री सारे अपने बैग लेके खड़े हुए, इनको पीने तक पानी की वो नहीं है, चार चार घंटे लोग लाइनों में लगे हैं, बाथरूम करने के लिए यहाँ इनके पास कोई जगह नहीं है, बुरी हालत है। तो श्राइन बोर्ड को यहाँ देखना चाहिए, इनके कम से कम 15-15 इनके डिप्टी सीईओ श्राइन बोर्ड ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको यहाँ आके उनको देखना चाहिए कि यात्रियों की क्या बुरी हालत हो रही है यहाँ। ठाकुर जी, कल शाम को हमने एक खबर की थी जब 50,000 से यात्रा जब ऊपर ज़्यादा चली गई थी, तो उसके बाद जो है श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा पंजीकरण जो काउंटर है, यात्रा का रजिस्ट्रेशन जो काउंटर है उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद भी यात्रियों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली थी कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी, इतना रश हो गया था कि यात्रियों को कमरे नहीं मिल रहे थे। तो देखिए जब यात्रा की जो भी श्राइन बोर्ड की तरफ से लिमिट जो रखी गई है उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते कि सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यहाँ वैष्णो देवी के अंदर 31 में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, 12 यात्रियों की मौत हो गई थी। वो तो हम चलो ये कह नहीं सकते कि कितनी यात्रा भेजनी, जो इन्होंने लिमिट रखनी चाहिए, लेकिन इनका जो 10 बजे का टाइम है 10 बजे से पहले भी अगर इनकी यात्रा पूरी होती है तो ये कर सकते हैं। लेकिन जो यात्री यहाँ कटरा में रुके हैं इनकी फैसिलिटी श्राइन बोर्ड ने देखनी चाहिए। श्राइन बोर्ड, जैसे हम कटरा के लोग कहते हैं कि यात्री हमारा भगवान है, ऐसे भगवान को आप धक्के दे रहे हैं सुबह से, जो अपने बच्चों के ये लाइनों में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-4 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग रही हैं, कौन से ये भगवान है कटरा वालों के? अगर कटरा वालों के ये भगवान होते ना तो अपने भगवान को लोग खज्जल नहीं करते ऐसे यात्रियों को बाहर से। अगर जो यात्री कटरा के अंदर 5,000 रुपये का रूम ले सकते हैं ना तो वो हर एक चीज़ कर सकता है, लेकिन 5,000 रुपया रूम देने के बावजूद सुबह वो अपने पूरी फैमिली को छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ लाइन में लग रहा है। जो कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, बॉर्डर पार नहीं कर रहे हैं, तो इतनी इनके ऊपर सख्ती की जाए। इनको हर आदमी आजकल डिजिटल इंडिया है, इनको बोलिए अपने पोर्टल पर आप अपने मोबाइल पर आप यात्रा पर्ची निकालें, अगर होटल वालों को दीजिए होटल वाले अपने वहाँ से इनको आई कार्ड दें और जिससे ये लोगों की वैष्णो देवी यात्रा वो कर पाएँ। क्या आप देखिए कितनी बुरी हालत है लोगों की, कब से ये लोग लाइनों में लगे हैं, शर्म होनी चाहिए श्राइन बोर्ड को, उन लीडरों को जो कटरा के अंदर रहते हैं और यात्रियों की यहाँ इतनी बुरी हालत है। कोई भी बंदा बाहर आके ये नहीं बोल रहा कि यात्रियों की क्या दिक्कत आ रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेडीज हैं, बच्चे हैं, किसी ने बाथरूम जाना है, किसी ने, अगर वो बाहर निकलता है तो उसकी लाइन बंद हो जाती है, दूसरा आदमी आगे लाइन में लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको माध्यम से और आपको भी ये अपील करता हूँ, ये सारी वीडियो जाके
के नीचे तक सारी लोगों को दिखाएं और श्राइन बोर्ड को भी पूछें कि यात्रियों के लिए क्या फैसिलिटी है। आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ, ये देखिए यहाँ लगाइए कैमरा, देखिए क्या बुरी हालत है, बच्चा सो गया। विवेक पुण्य कब से ये लाइनों में लगे हैं? सर राजगढ़ से, शुरू से। कब से लाइन में? सर लगभग एक घंटा भर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या कहना चाहेंगे श्राइन बोर्ड प्रशासन? सर ये गलत है, इतना परेशान नहीं करना चाहिए, कोई हम कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हाँ ये चीज़ें गलत है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं सब लोगों के पास में हैं, अभी एक लगभग 1.5 किलोमीटर की लाइन हो रही है, तो लाइन बढ़ती जाएगी। बच्चा सो गया, ये देखो बिल्कुल दिखाना इधर, ये देखो सो गया बच्चा लाइन में लगे लगे। शर्म होनी चाहिए। रो कर सोया है, बहुत ज्यादा रोया है। आप देख सकते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। बोलो, कुछ बोलो, परेशानी हो रही है तो बोलो। नहीं हो रही। नहीं हो रही। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें, तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सुनू ठाकुर जी। सुनू ठाकुर जी, हम आपसे एक बार फिर से एक हमारा सवाल है, एक जो काफ़ी दर्शक हमें बोल रहे थे आपसे पूछने के लिए, और कटरा के और भी जो नेता हैं उनसे पूछेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम आपसे पहले शुरुआत करते हैं कि कल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कटरा आए हुए थे, उन्होंने उस पर कहा कि जो रोपवे सेवा है वो लगेगी, लेकिन कटरा के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर लगेगी, उस पर आप क्या कहेंगे? कि जितेंद्र सिंह का जो घर का राज घोड़ी है, वो जो बोलेगा वो ही होगा। कैसे लगेगा रोपवे देखेंगे, जितेंद्र सिंह जी कैसे रोपवे लगाता है, उसको इतना यात्रियों की रोपवे का फिक्र है तो इनका नहीं फिक्र है। जो यात्री 5-5 घंटे में लाइन में लगे हैं, वो अपना कोई बेनिफिट देख रहे हैं, तभी वो ज़्यादा रोपवे का उनको ज़्यादा लग रहा है कि रोपवे लगना है। यहाँ लोगों की हालत देखो, लोगों को कितनी बुरी हालत है। आपको रोपवे से पहले यात्रियों की फैसिलिटी देखनी चाहिए कि यात्रियों को यात्रा पर्ची मिले, जैसे ये गाड़ी से उतरे इनको पर्ची मिले और ये वैष्णो देवी में जाएं, ये फैसिलिटी दें यात्रियों को, बढ़िया दर्शन कराएं इनको, ये फैसिलिटी दें। ये थोड़ी यात्रियों को 5-5 घंटे लाइनों में लगा के खज्जल करें। अब यात्रियों को पूछो क्या बुरी हालत हो रही है। हम पिछले अरविंद शर्मा नाम है मेरा, मैं आया हूँ हरियाणा से। हम 11 साल से आ रहा हूँ, हर साल आ रहा हूँ, इस बार फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ ऐसा क्राउड, कभी इतना हरेसमेंट नहीं हुआ। आज बच्चों को लेकर घूम रहा हूँ, अभी यहाँ लगे या ऊपर जाएं आप बताइए। आप कटरा कब पहुँचे? हम पहुँचे सुबह 11 बजे। तो उसके बाद यात्रा पर्ची ले ली अभी आपने? लाइन में लगे हुए। हाँ, अभी तक आपको यात्रा पर्ची नहीं मिली? देखो फैमिली के साथ आए हुए? बिल्कुल। हाँ, ये हमारी बेटी है, हमारे साले, हमारे भाई है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। अभी हमको ये चिंता है कि हम ये पूरा करेंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे, चिंता लगी है। क्या कहना चाहेंगे श्राइन बोर्ड प्रशासन से? हम चाहेंगे अगर यहाँ की सरकार कुछ करना चाहती है तो ये फैसिलिटी जो ठाकुर साहब ने कही वो पूरी की जाए। मतलब कटरा में जैसे यात्री पहुंचा था उसको उसी वक्त जो है पर्ची प्रोवाइड की? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाकी भगत से मिलने से भगवान को रोकेगा नहीं, चाहे मंत्री हो संतरी हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कुछ यात्री बाहरी राज्यों से आए हुए थे, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो आपने सुना सुनू ठाकुर जी ने क्या कहा, और जो यात्रियों से हमने बात की उन्होंने क्या कहा। जनता अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर राय जरूर दे कि लंबी लंबी कतारों में जो यात्रियों के बच्चे और बुजुर्ग खड़े हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक शिव टाइम्स कटरा से।